बहुत अहम है जो नमाज और कुरान पढ़ते हैं मगर गालियाँ देते हैं और फिर तौबा कर लेते हैं। मेरा सवाल है कि हम उनको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? वो गालियाँ देते हैं, अगर अपने अखलाक को ठीक नहीं करते तो उनको फ़ायदा क्या है अहमदी होने का। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने यही तो लिखा है, अगर मेरी बैत में आए हो तो तुम अल्लाह ताला से ताल्लुक़ पैदा करो और अपने बंदों का एक दूसरे का ख्याल रखो। अगर तुम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते तो तुम्हारा अहमदी होने का क्या फ़ायदा। बल्कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने तो ये भी फरमाया कि जलसे के दिनों में अगर तुम लोग एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते और दूसरे के जज्बात का एहसास नहीं करते और दूसरे की खातिर खिदमत नहीं करते तो फिर जलसा सालाना जो हम मुनक़िद करते हैं इसका यहाँ आने का क्या फ़ायदा। इसलिए नाराज़गी में एक साल आपने जलसा भी नहीं करवाया था। तो जो करते हैं वो गलत करते हैं, उनको समझाना चाहिए कि आप लोग गलत करते हैं, इस तरह की बातें एक अहमदी को अच्छी नहीं लगती, जेब नहीं देती। ठीक है, बाकी उनका मामला अल्लाह के साथ है।